हेलो, क्या बात है भाई रमेश जी? हेलो 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 हेलो, ये बात बहुत बढ़िया भाई, वाह। इतने लंबे कीर्तन के अंतराल में मैं आज जैसा कभी भ्रमित नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। पहले नियम बना नहीं, गीत विषय का अपनी मर्जी से गाया जाएगा, अपनी तर्ज का कट पीस का जवाब दिया जाएगा। विषय के गीत को आपको तर्ज नहीं लेनी है। चलो ठीक है, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। अब आप विषय के गीत को तर्ज जवाब में दे गए, फिर बाद में कट पीस गाने पूरा थान गा गए। आदरणीय महोदय जी, हमको ये बताया कि अब हमको क्या करना है, किसका जवाब देना, तुम्हारे गीत का कि कट पीस का? अब रुलाई करें कि झुकाई करें? विषय बढ़िया दिया है आपने, बेटी के लिए द्वादणी हमारे राजू राजा साहब ने पढ़ा है। चलिए बाद में निर्धारित करते हैं हमको क्या करना है, पहले हम राजू राजा का समर्थन करते हैं। विडम्बना है इस लड़की की। कभी कभी लड़की विधाता से पूछने लगती है, क्या कि हे विधाता, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हूं किसकी। ससुराल वाले कहते जन्म लेती है जहां, कभी भी पूजन में उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों? क्यों कि माता पिता कहते हैं बिटिया पराई है, बिटिया पराई है। क्या बात है? ससुराल वाले कहते पराए घर से आई है। ऐ विधाता, मुझे अब तू ही बता दे, क्या बात, कि जगत में बिटिया आखिर किसके लिए बनाई है। बेटी ये माना कि जब घर छोड़ कर जाती है बेटियां, ये माना कि जब घर छोड़ कर जाती है बेटियां, माता पिता भाई को रुलाती है बेटियां। बिटिया जब कहू की जावे, धीर धरो ना रावे। क्या बात है? माता पिता बहन भाई को रुलाती है बेटियां, लेकिन प्रतियोगिता में बेटे जब नाकाम होते हैं। पिछला ओलंपिक इसका उदाहरण है जी। प्रतियोगिता में बेटे
जब नाकाम होते हैं तो पदक जीत कर घर लाती है बेटियां। बढ़िया लावत गीत आया है। वाह एक हमारी बहुत छोटी बेटी फरीदाबाद में से फिरोजाबाद से हमारा कार्यक्रम सुन रही है। हमारे छोटे भाई श्री संजय सिंह जी की पुत्री है, हमारी भतीजी है। वहां से उसने पापा को फोन किया, पापा दादा को 101 मुद्राएं पुरस्कार में दीजिए। बिटिया किसी सिंह तुम्हारी इस भावना की मैं कद्र करता हूं। और यहां से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहा हूं। तुझे देने के लिए बाप, बिटिया के देने के लिए बाप के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि तुझे और क्या दूं इस दिल के सिवाय। हालांकि बची कम है, लेकिन जितनी बची है तुमको हमारी उम्र लग जाए। अब चलो बाबा की ओर। जी सबसे पहले बाबा के टोपा का जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन महाराज जी एक निवेदन करता हूं मैं यहाँ के संचालक महोदय जी से। मैं ये सत्य कह रहा हूं कि जितना आत्मीयता के साथ आज गाना हो रहा है जी, मन बदल गया है। ऐसा लगता है कि अब 2-4 साल कीर्तन और गाऊं। अभी 2-4 महीने पहले लग रहा था कीर्तन की कब संन्यास की घोषणा कर दूं, इतना जहर घोल दिया लोगों ने, क्या बात है, कीर्तन कलाकारों ने। लेकिन आज जिस आत्मीयता से हुआ वो प्रभाव बागेश्वर धाम का है, गुरु जी का है। मैं प्रणाम करता हूं, सत्य प्रणाम करता हूं। ये सत्य है, मैं बिल्कुल बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। उपेंद्र है कि चलेगा, कोई साजिश नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य में जब कभी भी, अभी 31 मार्च की घोषणा की है हमारे जी अनुज और बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय श्री देविंद तिवारी जी जी पप्पू भैया ने कि 31 मार्च को पूज्यपाद दादा मैया दीन तिवारी जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि है 31 मार्च को, उसी 31 मार्च को यहां दोबारा विषयबद्ध होगा। लेकिन जो भी उसके संयोजक रहे, जो भी उसके व्यवस्थापक रहे, मैं उनसे एक निवेदन जरूर करूं कि उसका नियम बना के जरूर रख लें कि इस नियम से कार्यक्रम चलेगा। ये अंतर्भ्रमित हो जाना पड़ता है। कहना चाहूंगा जो धन टूट गया कहते पता नहीं चलेगा अगर ये परस छूट गया, परस छूट गया। मैं कहना चाहता हूं क्या के बाबा कुमार बतिया को नाही जो तर्जनी देख मर जाए। रामलीला पुन पुन मोही दिखाव कुठारू और चाहती उड़ावन फूंक पहाड़ू। वाह सूर
दूर समर करनी करही कही ना जना भैया अरे विद्यमान रूप पाए क्या होता है कायर करही प्रलाप माँ कहते तो धीर छूट गया कैसे बहादुर तुम्हारा धीर छूट गया क्या बात है काहे के लिए भरता लिए घूम रहे हो घर में रखो अगर धीर छूट गया घर में घुस जाओ वीर बनते हो ये ठीक है हमारी आपकी रिश्तेदारी है तो आप तुझे बोलेंगे जी लेकिन लेकिन ऐसा न करें इनका दिल टूट जाए भेंट कर रहा हूं आदरणीय दादाजी की हंसता हुआ बचपन हो प्रयास करूंगा ये विधा फिर से जीवंत हो जाए बस आप लोगों का आशीर्वाद मिले बहुत बढ़िया क्या बात हंसता हुआ बचपन हो बहका हुआ मौसम अरे छोड़ तो एक सोला है चूल तो एक सबनम है गांव में मेले में गांव प्यार है सोखियों में गोला जाए थोड़ा सा सवा क्या बात है उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शरा फिर यो नशा जो तैयार फिर यो नशा जो तैयार वो प्यार है सोखियों में घोला थोड़ा सा दवार सोखियों में घोला जाए थोड़ा सा दवार फिर हो अरे फिर हो रे फिर हो नशा जो तैयार वो प्यार है कैसे मुनि हो रेने बालक संतुलन खो दिया बिल्कुल बिल्कुल वीर व्रति तुम धीर अच्छो और गारी देत न पावहु शोभा बुढ़े हो गए गालियां तो छोड़ बस, बस बस उम्र का तकाजा है गुरु कहते धीर छूट गया छूट ही जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सब साठ का कमाल तुम वीर नहीं हो कायर कर ही प्रलाप क्योंकि मैं जानता हूं वीर किसको कहते सुनिए सुनिए बाबा जी है बाबा कि धीर कभी सम्रांगण में कि धीर कभी दुश्मन के आगे होते नहीं अधीर क्या बात है महाराज जी का आशीर्वाद मिले क्या बात है चरणों में नमन करता हूं कि धीर कभी दुश्मन के आगे होते नहीं अधीर और बांध नहीं सकती उनको कायरता की जंजीर
बांध नहीं सकती उनको कायरता की जंजीर, अपने हाथ लिखते खुद तकदीर, अपनी 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 खुद ही लिखता तकदीर, वो वीर है। धीर छूट गया, खुद ही लिखते अपनी तकदीर, वो वीर है, वो वीर है। कि धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं, देखिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता ना, आपकी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन कि मान रहा हूं मुनिवर आप बड़े बलशाली, मैंने कितनी बार छत्री विहीन कर दिया, नहीं किया ना। नहीं किया ना। महाराज अगर वीरता का बखान करते हो ना? किसी एक का उदाहरण बताओ, किसी एक रघुवंशी को तुमने छुआ, आज तक तुमने किसी एक रघुवंशी को छुआ हो ना? तो बाबा जी बताइए, काल हम डरे न रण रघुवंशी, पर मान रहा हूं मुनिवर कि आप बड़े बलशाली, मैं तुम्हें न शोभा देती, तुम्हें न शोभा देती ये कायरता की गाली, कायरता की गाली, कायरता की गाली। मैं मानता हूं आपको कि ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पर थोड़े से अभिमानी हो, ये तो झलक रहा है। लेकिन जहां अभिमान है ज्ञान थू, कहे का ज्ञान ना, ज्ञान पाकर के जो विनम्र नहीं हुआ किस बात का ज्ञानी, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पर थोड़े से अभिमानी हो, रण में जो दिखता ना गंभीर, अरे रण में जो दिखता है गंभीर वही वीर है। धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं, धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं, और धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं आए, खुद ही लिखता है अपनी तकदीर, खुद ही लिखता है अपनी तकदीर, वही वीर है। कि धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं, धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं, धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं। आरिश, इन पंक्तियों पर आदरणीय सम्मानीय श्री वेद नारायण पांडे जी गुनौर, आपकी ओर से 501 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। आपने लिखा यहां कुमड़ बतिया को नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो पहले ही हो गया। बिल्कुल एक बार मेरी बहू शकुंतला के लिए तालियां हो जाएं। बिल्कुल पर्चे देने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन ये पर्चे देने की जरूरत है कि मेरे छोटे भाई हैं बाबूलाल जी जी, इसलिए मेरी अनुज वधु शकुंतला राजपूत जी की ओर से ये 501 पद मुद्राएं भेंट हुए हैं। क्या बात है, मैं भगवती से निवेदन करता हूँ। एक एक ब्याज स्तुति अलंकार होता है जी,
बाबूलाल जी ने ब्याज स्तुति अलंकार है कि मेरी बहू का श्रृंगार जी श्रृंगार हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रहे, हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रहे। जी हाँ, श्रीमती शकुंतला बाबूलाल राजपूत सरपंच ग्राम पंचायत गौरगांव छतरपुर, आपकी ओर से ये 501 पद मुद्राएं हैं। अभी श्रीमती माता दादा क्षमा करें जी, आदरणीय आदरणीय माता दीन विश्वकर्मा जी की ओर से जी, वो हमको ये सब बाबा का अरे तो देखे गलती है, जब इनको बाबू में श्रीमती दिखाई देता तो माता तो श्रीमती होते ही है। ये बिना श्रीमती बने कोई माता थोड़ी हो सकती, तुम्हारे नाम में तो माता जुड़ा है तो तुम श्रीमती हो ही जी। कभी कभी ऐसे उपदेश दे देते हैं दादा कि लगने लगता है कि आप 60 के ऊपर पहुंच गए, इशारा आने लगता है कि हाँ, बोले कभी कभी ऐसा कहने नहीं पता है तो श्रीमती बाबूलाल। अच्छा हम कहने श्री, अच्छा आपके यहाँ मंच में लिखवा दे कि श्रीमती माता दीन आ रही है, ठीक ऐसा लगेगा। आदरणीय सम्मानित श्री रमेश तिवारी जी, पंडित श्री सुनील तिवारी जी नौगांव, आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हमारे राजू राजा साहब के लिए भेंट हुए हैं, हमारी ओर से कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद है। कलाकार की बड़ी अपराध होती है, वो देने वाले कहते हैं चलिए ठीक है। अच्छा ये है कि जब तक कैसेट बने तब तक बीच में वार्ता ना हो, क्या बात है। कि धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं अधीर, और बांध नहीं सकती उसको कायरता की जंजीर, लिखते खुद ही वो अपनी तकदीर, याद है लिखते अपनी जो खुद ही तकदीर, वही वीर है होता नहीं अधीर, कभी होता नहीं अधीर। और सुनेगा बाबा जी जी, अरे दिखलाए रण कौशल, वीर बनते तो विशेषता है तुम्हारे अंदर, देखो जरा कौन जी। अरे दिखलाए रण कौशल और मुख से बोल ना बोले, क्या बताए जो वीर पुरुष है उसकी वाणी नहीं उसका हाथ चलता है, हथियार चलता है। दिखलाए रण कौशल मुख से बोल न बोले, और वार प्रहार ही उसका कि वार प्रहार ही उसका सारे राज को खोले, सारे राज को खोले, सारे राज को खोले। ये जानते क्या, क्या? ये वार प्रहार ही उसका सारे राज को खोले। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तुम खाक कुछ नहीं हो। वार प्रहार ही उसका सारे राज को खोले। अरे युक्ति से, याद है युक्ति से, भक्ति से और भुजाओं की शक्ति से
युक्ति से, भक्ति से, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, युक्ति से, भक्ति से और भुजाओं की शक्ति से चंद्र खुद बना दे जो नजीर वही वीर है। चंद खुद बना दे एक नजीर वही वीर है। धीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं अधिक, रण में जो दिखता है गंभीर, रण में जो दिखता है गंभीर, उथला मैंने ये कर दिया विपुल बार मही देवन दीनी जी होगी आज कुछ करके दिखाओ तुम जाने जी। रण में जो दिखता है गंभीर वही वीर है। तीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं अधिक, या तीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं अधिक, तीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं अधिक। ये तुम तो बहाने लगे नी आंख से बहाते काहे नी ना, ये पहचान नहीं है करता क्या है क्या? अरे खुद ही बना दे एक नजी वह वीर है। वीर कभी दुश्मन के आगे होता नहीं अधीर।